मुकेश सहनी के पिता की हत्या, यह खबर बिहार की है। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप जानते हैं पूर्व मंत्री हैं उनके पिता की हत्या हो जा रही है। सवाल उठेंगे और जब सवाल उठेंगे तो विस्तार से उसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जंगल राज, गुंडा राज, लालू राज अब कुछ नहीं है, अब नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी गठबंधन में है और पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाएगी तो बात करना पड़ेगा, बड़ी खबर है। चलिए खबर क्या है ये आपको बता देते हैं और खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। बिहार सरकार में मंत्री रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ठीक वैसे ही जैसे किसी जमाने में बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं हुआ करती थीं। मंगलवार सुबह मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव दरभंगा जिले के जीरत गांव में उसी घर में मिला जहां वो अकेले रहा करते थे। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए सोचिए, मंत्री रहे मतलब नेतागिरी में उनका ठीक ठाक अनुभव रहा होगा, इसका मतलब बाहुबल भी रहा होगा, इसका मतलब पैसे वाले भी रहे होंगे, इसका मतलब समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा भी रही होगी। अब सोचिए पूर्व मंत्री के पिता की कोई हत्या कर दे और कहे नहीं बिहार तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार बहुत शानदार सरकार चला रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई है, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है वो पूर्व मंत्री के पिता थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ मुकेश सहनी के पिता थे, वही मुकेश सहनी जिनको आपने लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखा था। मुकेश सहनी के साथ ही तेजस्वी यादव ने फ्लाइट में मछली खाते फोटो पोस्ट किया था, बहुत वायरल हुई थी, जिस पर खूब राजनीति भी हुई थी, खूब सियासत भी हुई थी। ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे बिहार की सियासत में मुकेश सहनी के कद का अंदाजा लगा सकें। पुलिस का क्या कहना है कि क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि हत्या चोरी का विरोध करने को लेकर हुई है। तो वहीं मुकेश सहनी के मामा का कहना है कि इस घटना में गांव के लोगों का ही हाथ है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। मिथिला रेंज के DIG बाबूराम का क्या कहना है सुनाइए। है कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। FSL के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है, कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर पिता की हत्या की खबर सुनते ही मुकेश सहनी भी आनन फानन में बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए, फिर आगे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हत्या कर दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है, आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मंत्री के पिता की हत्या हुई है तभी महकमे में इतनी खलबली है, इतने बड़े आदमी के घर भी ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। बिहार की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए मन बहुत दुखी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति क्या कह रही है इस हत्याकांड पर वो भी सुन लीजिए, फिर आगे कौन सी खबर है ये भी बताऊंगा, सुनाइए जरा। टॉरिकल जवाब देता दिया जाता है, हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है ये हालात। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहे। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं,
और एक पार्टी के संस्थापक है, उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है। बिहार में कानून व्यवस्था पर यह हत्याकांड सवाल तो उठा ही रहा है। किसने हत्या की, क्यों हत्या की, ये सब जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं सुशासन बाबू।